मेहर जिले के बैलहाई गंगहाट गांव में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी के चबूतरे में तोड़फोड़ की और हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों के साथ हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश जताते हुए संदिग्ध व्यक्ति का घर गिराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में उपद्रवी तत्वों का कारनामा देखने को मिला। बता दें कि जिले के बैलहाई गंगहाट गांव में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी के चबूतरे में तोड़फोड़ की और हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद बजरंग दल के लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया और मामला दर्ज करवाया। बता दें कि पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति लल्लू खान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोपी लल्लू खान का घर गिराने की मांग कर रहे हैं। रामनगर के बिलहाई में मैहर जिले के हमारे जो गंगहाट है, वहाँ बिलहाइयों द्वारा जो जिहादी मानसिकता के लोग, उनके द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी गई है। अभी सकल हिंदू समाज वहाँ एकत्रित है और हम सब लोग वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। प्रशासन की लगातार लापरवाही से मैहर जिले में यह घटनाएं अब आम हो गई है। जिस प्रकार से जिहादियों द्वारा इस प्रकार की मानसिकता, जो कि बांग्लादेशी तर्ज पर अभी हाल ही में पूरे देश ने देखा है कि जिस प्रकार से बांग्लादेशियों ने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उन पर जूते बरसाए, उसी प्रकार का कृत्य यहाँ जिहादियों द्वारा किया गया। इदरीस खान, लल्ला, असलम, इस प्रकार के कई नाम सामने आ रहे हैं। अगर प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करता तो हम सब लोग इस घटना को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।